हेलो, सत श्री अकाल जी। इस बच्ची का नाम तो आप सबको पता ही है ना। काफ़ी लेट हो गया लाइव, अभी थोड़ी जल्दी आना था, बट वही बात है, फ्री नहीं हो पाई। तो कुछ चीज़ें आप सबके साथ डिस्कस करनी थी। आज मैं पूरे घर का टूर नहीं करवाऊंगी आपको। नहीं, तू खलो जाओ, तुसी खलो जाओ। मर जाने कंजर, मेरा जोड़ा आराम किया है ना सारे ने। नेत्रा नु पाएगी ना, नवी आई है बेचारी। नेत्रा शर्म कर ला, तू भी किसी दिन ऐवी आई से आवे आवे भेज दियो नेत्रा। ये बच्ची आप सबको पता है ना, ये आ जाइए। नेत्रा तेरे शर्म तो नहीं आती? अपने दिन भुल गई जो तेरा सेक्टर चो किसी ने तेरी अखा च शराब पाता सी। लाइट ऑन है बार दी? लाइट आप परले पासे ऑन करनी पैनी। ओ गॉड, ये बच्ची आप सबको याद है, शाम को मैंने छोटा सा लाइव सेशन किया था जिसमें इस बच्ची को ट्यूमर था, है ना। अभी भी आप देख सकते हो, ये रहा इस बच्ची का ट्यूमर, और इतने बुरे वाली स्मेल आ रही है इस बच्ची से, है ना। मतलब आपको तो वीडियो में तो क्या ही पता लगेगा, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इसका ट्यूमर ही फट चुका है। तो जब हमने इसको वहाँ से जाके पिक किया था, बेचारी जैसे वो ऑफिस वाली बिल्डिंग्स नहीं होती, वहाँ पे कोने में पड़ी हुई थी रेत के ऊपर, जीभ इसकी बाहर आई हुई थी। सीरियसली हमें तो उस टाइम ये लगा था कि बच्ची 10 मिनट भी नहीं निकाल पाएगी। वहाँ ना कोई पंखा ना कुछ, बेचारी पहले इसको इलाज की ज़रूरत थी, तो इसको उठा के फिर डॉक्टर बिस्ला पे लेके गए। वहाँ पर इसकी फर्स्ट कीमो हुई आज। तो वही बात है कि इतनी बुरी हालत में ना, मेरा थोड़ा दिल ऐसा है कि मैं बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकती। अगर मैं किसी को, है ना, अपनी आंखों से देख लेती हूँ क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम में है ना, तो मतलब मेरे से नहीं होता भाई। जैसे कुछ लोग पता नहीं कैसे आपके सामने कोई मर रहा है, कोई किसी को इलाज की ज़रूरत है, लोग ना इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि मैं इग्नोर, मेरे से नहीं होता भाई, मैं हूँ ही ऐसी। तो इस बच्ची को पहले डॉक्टर के पास लेके गए, काफ़ी लोगों से हमने हेल्प मांगी कि कोई फैमिली इस बच्ची को फॉस्टर कर ले, 5 से 10 दिनों के लिए कर ले, क्योंकि जब ये ठीक हो जाएगी दोबारा इसको इसकी लोकेशन पे छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। अजय नहीं खादा, नहीं खाना हूँ देंगे, क्योंकि इंजेक्शन लगा है ना मुझे, न ड्रिप लगी सी। इसका नाम रानी है, रानी रानी बेबी। इस बच्चे को पहले भी जैसे हमने फीड किया था तो ये जानती है। वैसे भी आप किसी जानवर को, किसी बेजुबान को अगर आप एक बार प्यार करोगे, एक बार खाना खिलाओगे ना, तो आपके लिए पूंछ जरूर हिलाएगा सच्ची में। रानी लानी मेरा बच्चा, लानी की ची मेरे बच्चे नू की ची बुगे की प्रॉब्लम होगी ची मेरे बच्चे नू है। बहुत बड़ा ट्यूमर है इसको भाई। मैं अभी ये सोई हुई है तो मैं इतना इसको क्लियर नहीं दिखा सकती। ड्रिप इसको लग गई है, फर्स्ट कीमो इसकी हुई है। अगर ये कुछ खाना नहीं खाएगी 1-2 दिन तो इसको डेली ड्रिप लगेगी। सो बच्चे जब ठीक हो जाएगी, मतलब सीरियसली ड्रिप लगने के बाद इसमें थोड़ी जान आई है। खुद पहले तो खुद चल ही नहीं रही थी भाई, इसको उठा के पहले गाड़ी में रखा, फिर हमने क्योंकि इसको ना ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर हम ई रिक्शा में इस बच्ची को लेके गए। तो ये कैटी भी आ गई अंदर, वो देखो ओडा अपने जिड्डे बड़े कौले च रोटी खान डे। तू इसने ना चीकू को सेम अपने जैसा कुत्ता बना लिया है। सॉरी मैं वर्ड ऐसे बोल देती हूँ, मतलब पंजाबी में क्या बोलते हैं जो शरारती होते हैं उसको, सेम एक कैटेगरी के हो गए अभी। चीकू तू तो चंगा पड़ा से सकिट सकिट तो ऑब्वियस मार सकती, जारा ने क्यों नहीं मारेगी। जारा के दर्शन कर लो फिर इसको नीचे भेजते। जारा तू थले जा, वो ब्लैक वाली ने ना तेरा फांटा ला देना इतने जेडे, तू पा के पट्टा लगी फिरनी है। जारा मुँह तक तकरीन की मरवाई मेरा बुग्गा बच्चा शीजा ला नहीं साफ किया। जारा जारा बेबी जारा, आज मैं ना ऊपर इसी रूम में रहूंगी, पूरे घर के बच्चे नहीं दिखाऊंगी मैं अभी आपको। तो इस रूम में जितने बच्चे हैं वो दिखा दूंगी। जोई डाइटा चल दी है मैंने, है ना। सीरियसली भगवान, अगर किसी बेजुबान से, किसी इंसान से अगर उसकी एक शक्ति है ना छीन लेता है ना, तो उसको बदले में काफ़ी चीज़ें देता है। जोई की स्मेलिंग सेंस इतनी तेज है भाई, मैं बता नहीं सकती। अपने आप ये रूम में चलती है, खाना खाती है। तू इधर आ जा, साले लड़ाई करानी जे सर्किट मर जाता भुख नाली। तेरे से नीयत क्यों दी, कोई चीज़ वेख ही नहीं सकता।
ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੇ 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 ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਡਣਾ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ये सोचते हैं कि जोई को दिखता नहीं है भाई, जोई को दिखता नहीं है, उसका मुंह इस चलाया ना इनके खा जाएगी इन दोनों को। जा रहे बिहार ज्योतवीरे, जा रहा बेबी, जा रहा शौक है थोड़ी सी। आंधी चलन की डिया है, थल्ले वाले कुत्ते कितने गए ने, उत्ते वाले सारे नवे ने। वो जा रहा को सारा पता, जब कोई नया डॉग आता ना पूरे गौर से देखती है उसको। जा रहा नहीं ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟ ਕੁੱਚੂ ਚੁੱਚੋ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਵੱਜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੋ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਆ ਥਾ ਬੈਲਾ ਕੋ ਬੈਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹਮਨੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪਾਨੀਪਤ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਇਆ ਥਾ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਵੋ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ सो ये सारे खाना खुना खा रहे अपना जोई 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 हाय मेरे बच्चा हाय मेरे बच्चा हाय मेरे सोने बच्चे गुगी जोई ट्यूमर की हमेशा कीमो होती है मोस्टली जो मैंने अभी तक देखा है तो बच्ची की कीमो हो गई है सो और मैंने वो छोटे राजा की वीडियो डाली थी वो मैं अपडेट करना चाहती हूँ अब सबसे। मेरे को ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने छोटे राजा की वीडियो नहीं डाली, क्या वो क्रुल्टी नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब छोटे राजा का मर्डर हुआ है ना, सागर जी का वो डॉग है लाडवा के पास का, ये पूरा केस है। तो जब उस डॉग की डेथ हुई ना, मतलब उसको जब किडनैप करके मारा गया, उस वक्त क्या था आप सबको याद होगा कि मेरे घर एक पमेरियन बच्चा आया था रेस्क्यू करके ना, उसके बाद एक कैट आई थी, उसी टाइम मेरी मासी जी की डेथ होगी, मेरी मम्मी यहाँ से घर से वहाँ चले गए कुछ दिनों के लिए। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतना सारा बर्डन आ गया कि मैं कुछ वीडियोस अपडेट नहीं कर पाई। अभी 3 से 4 बच्चे अडॉप्ट हुए हैं, उनकी वीडियोस, उनकी फ़ोटोज़, डेली अपडेट्स मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं अपडेट करने का, क्योंकि घर में इतने बच्चों की केयर करनी पड़ती है, आपके सामने रेस्क्यू करने पड़ते हैं, इलाज करवाना पड़ता है। लोग ये सोचते हैं कि दिलजीत लाइक है ना, जो ब्रीड वाले डॉग है वो क्रुएल्टी नहीं डालती, अपडेट नहीं करती। तो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ क्रुएल्टी क्रुएल्टी होती है और सारे एनिमल्स एक समान है। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे स्ट्रे डॉग्स अच्छे लगते हैं, मुझे ब्रीड वाले अच्छे नहीं लगते। ये बेचारे सारे बेजुबान जानवर है, अगर किसी के साथ ना इंसाफी हुई है तो सबके लिए लड़ना है, ये नहीं कि खाली स्ट्रीट डॉग्स के लिए। तो मेरे लिए सारे जानवर एक बराबर हैं, तो मैं इनके लिए हमेशा फाइट करती रही हूँ और हमेशा करूँगी। पहले भी कुछ डॉग गुम हो गए थे, मैंने वीडियोस डाली थी, वो भी ब्रीड वाले बच्चे थे ना। ये थोड़ा कि मैं ब्रीड्स वाले डॉग को मतलब ऐसे वीडियोस नहीं डालती, मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से वीडियो अपडेट नहीं कर पाई। आज मैंने छोटे राजा की वीडियो अपडेट की है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका दिमाग हिल चुका है, उन्होंने मेरा नाम ले लेके, हमारे पेज का नाम लेके काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं कि अब दलजीत कहाँ गई है, अब दलजीत पोस्ट क्यों नहीं डाल रही। तो भाई हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार टाइम नहीं होता। चिकू बच्चों उधर चलो। सो प्लीज़ ऐसे किसी को मत बोला करो। मैं एक ये जो पेज बनाया था है ना, ये एनिमल्स के लिए है, इनकी आवाज़ बनने के लिए है। यहाँ पे कोई फेमस होना या कुछ और नहीं चल रहा। तो हम सबको मिलके बच्चों के लिए है ना, इंसाफ के लिए एक मांग करने की, जो क्रुएल्टी का अमाउंट रखा हुआ है 50 रुपये, उसको बढ़ा के ज़्यादा किया जाए, क्योंकि 50 रुपये दे के तो कोई भी भाई छूट सकता है ना। सो और जो शिव कॉलोनी में रेप केस हुआ था, लैब बच्ची है बिंदिया, उसके खिलाफ FIR हो चुकी है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो घर से भागा हुआ है, वो एक मंदिर में रहता था, उसका घर परिवार कुछ नहीं है, तो वो घर मतलब जहाँ भी रहता था उसको वहाँ से निकाल दिया, वो भाग गया है। जैसे ही वो मिलेगा, कुछ अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करेंगे। बाकी लोग बहुत गलत बोलते हैं आजकल, तो मैं इतनी वीडियोस अपने अगेंस्ट देखती हूँ कि लड़की ये कर रही है, ये क्या कर रही है, तो खाली बंदरों को खाना खिला रहे हैं। तो भाई तुम भी खिला लो, तुम्हें किसने मना किया हुआ है। अगर मैं फ्री हुई ना उस बंदे की, मैं वीडियो एडिट करके ना आपको फिर शेयर करूँगी। मतलब कितने गंदे लोग हैं, उत्ते ना डेगा क्यों जीना हराम किया जो दा लो अभी खा लो, हग लो, होर इन्होंने कोई काम नहीं। मैं लाइव में पोटी दिखाना नहीं चाहती। ओए ओए थप्पड़ मारेंगे तेरे मुंह दे, गंदा। तो ये तो गंदे। सो
पॉटी करके उसको सूंघने जाते हैं कि हमारी है किसी और को तो नहीं है, जो ही आले दुआले ना चकरियाँ कट्टिया जे और इन्हें भी करनी है कि लगन तो दिया माड़ा जहा। चीकू क्यों क्यों लित्र खाने पुत्र, तुहाडे भैन भरा तुहाडे आने वाले ने, थोड़े दिनों खलो जो जरा शहनाइयां बजेंगी यहाँ पे। जोई सो जोई तो ऐसे सोते जैसे वो नकली से वो डॉग नहीं होते, वो गाड़ियों में रखे होते हैं, आप सबको याद है? देखो जैसे आप सबकी गाड़ी में एक डॉग नहीं पड़ा होता जिसकी गर्दन हिलती रहती है, जोई सेम वैसी लगती है। और जो जिस जिस बंदे ने राजा को मारा है उसके खिलाफ भी FIR हुई है, अभी कोई उस बंदे को पकड़ा नहीं गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसी कोई अपडेट मिलेगी डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करेंगे। सो अभी कुछ अगर आपका क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। बिन्नी भाई नीचे है, बाकी बच्चों को मैं सुबह दिखाऊंगी, टाइम हो गया ज़्यादा। सो कल फिर लाइव आवांगे। शी लॉस्ट हर आइज़, मे बी स्टिल अंडर ट्रॉमा। अभी नहीं, अभी ये बिल्कुल ठीक है, अभी कोई चक्कर नहीं है, मतलब आराम से खाती है, रूम में चलती है, टॉयलेट करके आती है, इसको कोई चक्कर नहीं, अभी बिल्कुल सेट है। मतलब मैं एक तरफ से इसको पता है इतनी ज़िंदगी इसने बेचारे ने गलियों में जी है, अभी यहाँ देखा आराम से AC चल रहा है उधर, आराम भाई मेरे लिए चले ना चले, इनके लिए मैं चला के रखती हूँ। जोई बेबी और जोई जोई पुत्र रेस्ट मोड चल रहा है, मेरे बच्चे जो रेस्ट मोड चल रहा सर्किट तेरे, तू तो मैं जा मैं छड़ा दी अदी हूँ कर ला जो करनी जा सर्किट सर्किट, इसको जैसे कमांड नहीं देते सर्किट 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 हेलो करना सिखा रही हूँ, 2 घंटे से सीखता ही नहीं है ये। हेलो सर्किट हेलो सर्किट हेलो हेलो करी हेलो सर्किट, पता नहीं यार किवें सीखेगा, इन्ना टाइम ही नहीं मेरे को। चीकू मेरे घर से एक डॉग जाता ना भाई, दूसरा भगवान उसी टाइम भेज देता, एक दिन भी नहीं लगाता, जैसे ही मेरी आवाज़ सुनती है उसी टाइम मैडम दी पूँछ हिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसको सारा पता, देखो इस बच्ची को सारा पता है ना, कुछ टाइम पहले बेचारी मुगल के नाल पड़ी हुई थी, की गल अपना टाइम भूल गए हो, ये सब अपना टाइम भूल गए, सोच रहे हमें आगे मालिक है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, तेरे को भी उठा के लाई थी मैं सड़क से, चीकू को जंगल से उठा के लाई थी, ये मैडम 7 सेक्टर से आई थी, तुसी कैनला जो नहीं आए पुत्र सड़क पर ही आए हो सारे, अपना टाइम ना भूलिया जी कभी। हाँ वो कबूतर को रात को 3 बजे उड़ाया था क्योंकि वो सूख गया था थोड़ा, वो पिंजरे में उड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसको आराम से उड़ा दिया था, बिल्कुल बाजरा बुजरा खिला के उसके बाद ही। मेरी इंस्टाग्राम पे सेम ही आईडी है अपना वॉइस फॉर वॉइसलेस तरह तरह के नाम से, ये दोनों ना अपना टाइम भूल गए हैं, नेत्रा भी भूल गए, सारे भूल गए हैं, तानू याद कराना पेगा। मेरा जी करता है जिथों जिथों इन्होंने चुक के लिया ना एक एक करी दोबारा इन्हों छड़ के आवा 2 दिन वास्ते, उत्थे लगी ना गर्मी उत्थे लग, तेनू पता जाएगा जिहड़ा हीरो बनया फिरना है। एक दिन रांची नू लेक ते छड़ के आवांगी, इन्हू भी गलियां छड़ के आवांगी, उन्हू जंगल से छड़ के आवांगी, है ना सारों ने एक दिन भी विखा के आवांगी, तानू इत्थों चुक के लगाई सा मैं, आपे फिर ठीक हो जाने गे। बर्ड को रात को 3:30 के बीच में उड़ाया था क्योंकि वो फड़फड़ा रहा था पिंजरे में, तो बिल्कुल सूख चुका था, इंजर्ड नहीं था, बिल्कुल ठीक था। कल बारिश इतनी तेज आई थी कि बारिश की वजह से वो बेचारा गिर गया, सो बच्चा को बिल्कुल फिट एंड फाइन उड़ा दिया था, माँ कसम मैंने उड़ा दिया था, कहीं आप यकीन मत करो, भगवान की कसम। इस बच्चे से बहुत स्मेल आती है, मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जल्दी ठीक होए। बुगे कर अपने मुँह तो उखा दो सोने बच्चे, मुँह तो उखा दो मेरे बच्चे सोने, की छी कुछ कहते हैं यार देखना, कुछ नहीं कहते, लोग काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्वा करते हैं। नेत्रा को दूसरे साइड भेजा है, जीना हराम कर डी से इन्हों, देखना कितनी बुरी हालत है इसकी, मैं इसकी टांग उठा के नहीं दिखा सकती, इसके जैसे अभी जब खड़ी होएगी ना तो इसको ब्लड आता है। बुगे मतलब वही ना यार, मैं आप सबसे देखो अगर आप सच्ची में हमारी हेल्प करना चाहते हो ना, सबसे बड़ी पता है हेल्प आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर के आसपास जो कोई भी फीमेल, जैसे आप सबका बर्थडे आता है ना साल में एक बार आता है, कोई एनिवर्सरी आती है भाई किसी की,
मम्मी का, सहेली का, किसी का बर्थडे आता है, केक काटते हैं ना, इतना सेलिब्रेशन हम करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के साथ साथ ना, अगर हम थोड़ा सा प्रण लें, है ना, कि हम अपनी गली की एक डॉग को एक साल में स्टरलाइज करवा देंगे। जैसे मानो कि आपका बर्थडे आया, आपने एक डॉग को स्टरलाइज करवा दिया, तो आपने वो गिफ्ट दिया अपने आप को, उस बच्ची को भी गिफ्ट दिया। देखो इसको ट्यूमर क्यों हुआ है, डॉग की मेटिंग होती है, किसी को ट्यूमर होता है, इनको इन्फेक्शन हो जाता है, हर 6 महीने बाद इन्होंने प्रेग्नेंट होना होता है, तो ये बच्ची का हाल इसीलिए हुआ है ना। ये अगर किसी का, इस बच्ची का ट्रीटमेंट अगर पहले करवाया होता है, ये स्टेरलाइज होती, तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। तो भाई देखो, हम ना केक पे इतने पैसे फूंक देते, इतनी चीज़ें कर देते, तो हम अपनी ज़िंदगी में एक डॉग को स्टेरलाइज भी तो करवा सकते हैं। पता नहीं गवर्नमेंट कब रूल बनाएगी, कब जागेगी, कुछ अता पता नहीं है भाई। तो आप मिल के यार कोई ना कोई तो करवा ही सकते हैं, सबका बर्थडे आता है। ये तो है नहीं कि हम पैदा नहीं हुए थे, सब पैदा हुए थे ना। हमारे करनाल में स्टरलाइज का प्राइस है 2200 के आसपास, ठीक है, दवाइयाँ दुइयाँ मिला के 3000-2500 इतना पड़ जाता है। आप भी अपनी सिटी में, है ना, लाइक कर सकते हो। कल को भगवान करे शेल्टर जल्दी बने, तो हम स्टरलाइज को बहुत लो कॉस्ट पे रखेंगे। कि देखो हर बंदा हर वे से हेल्प कर सकता है ना, किसी ने स्टरलाइज करवा दिया, किसी ने घर में फॉस्टर कर लिया 4 दिनों के लिए, अगले की ज़िंदगी बन गई, आपको दुआ मिल गई। गवर्नमेंट भाई कुछ नहीं करेगी, आप सबको मिल के, जो एनिमल लवर, देखो एनिमल लवर्स की गिनती कम नहीं है। ये सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर सोशल मीडिया ने इतने बंदों को आपस में मिलवा दिया, एक फैमिली बना दी है। मैं आप सबको नहीं जानती थी, लेकिन हमारे सबकी एक फैमिली बन गई है ना। कुछ भी डॉग रेस्क्यू होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले आपके साथ शेयर। मेरे सच्ची बताओ ना, अगर मैं कोई डॉग को रेस्क्यू करती हूँ, कहीं लड़ाई हो गई है, कुछ हो गया, मेरे घर भी नहीं पता होता कि मतलब मैं कहाँ हूँ, सबसे पहले आपको पता होता है। सो डिपेंड करता है कि कोई हॉस्पिटल वाले देखो 1000 रुपये भी लेते हैं, कोई 6000 भी ले रहा है, कोई 12000 भी ले रहा है ऑपरेशन के। वही बात है ना, मैं तो कह रही हूँ 1000 रुपये मिनिमम रखना चाहिए, कि अगले को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो। ट्रीटमेंट इतना महंगा कि लोग करवा ही नहीं पाते, तो ज़्यादा नहीं, आप एक साल में एक बच्ची तो करवा ही सकते हो भाई। सो सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी लें, तो काफ़ी हद तक बच्चों को हेल्प मिलती है। तो आप अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखो, उनको स्टरलाइज करवाओ, उनको लाइक वैक्सीन करवाओ उनकी, है ना, जिससे काफ़ी बच्चे अच्छे हों। कैमरा के सामने भाई आपने मेरा क्या करना है, मैं कैमरा के सामने आके क्या करूँगी। सो कल को भगवान करे शेल्टर बनेगा, तो आप बहुत लाइक मेरा बस चले भाई, मैं तो फ्री सेवा लंगर लगाऊँ सबके लिए, आओ ऑपरेट करवाओ, लेके जाओ डॉग को 4-5। लोग सोचे कि दिलजीत परमानेंट रख ले भाई, ऐसे तो फिर 200-400 किलो का शेल्टर बनेगा ना। तो जल्दी आपको गुड न्यूज़ देंगे अच्छे वाली। सो अभी लाइव करें एंड। मतलब कितना दर्द होता है यार इनको, सच्ची में जब ये पड़ी हुई थी ना, उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम हमें मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता। इसकी हमने जीभ देखी बाहर निकली हुई थी, है ना, मुझे था कि अरे अभी इसको कुछ हो जाएगा। मतलब सीरियसली बच्ची को उठा के फिर लेके गए, उस टाइम पर अगर वीडियो बनाते ना यार, आपको इतना फील होता कि इन बच्चों के साथ क्या बीतती है, कहाँ ये किस लोकेशन पर बैठी हुई थी यार, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। हो इसको कीमो होगी, एक बार दोबारा फिर होगी कीमो के बाद, देखो 3-4 दिन में फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो देखते हैं कि बच्ची को कैसे फ़र्क पड़ेगा। सो अभी लाइव करें एंड। ये बैठे हुए इधर, अभी मानो कि अभी देखो 12 बज गए, अभी हमने कमरे की सारी सफाई करनी है, क्लीनिंग करके फिर जाके हमने कहीं सोना है। सो अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप सबका, एंड जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली वीडियोस भी अपडेट करती हूँ, काफ़ी चीज़ें भी शेयर करती हूँ आपके साथ। सो बाकी बच्चों को प्लीज़ कल दिखाऊंगी, आज देखो टाइम पे ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं सुबह से बाहर थे, है ना, इतने सारे काम होते हैं, तो कल अपना कल लाइव आएंगे, अभी कल लाइव एंड करते हैं। सो जोई की तरफ, जोई का पेट कितना बड़ा हो गया, मेरे को तो टेंशन हो रही है कि 12 बच्चे ना हो जाए, मर जूंगी मैं तो जहर खा के। जोई बुगे किन्ने बच्चे सन, नोनी सिर्फ 4 बच्चे बड़े नहीं, ठीक है, वे 4 बच्चे हो जाएंगे।
ਸਰਕਿਟ ਤੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਟਵਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜੋਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤੀ ਰਾਣੀ ਅਭੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਉਸਕੋ ਰਾਤ ਕੋ ਥੋੜੀ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਉਸਕੋ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲਾ ਅਡੋਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੋਸਟਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੋ ਇਸ਼ਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਰੱਖਾ ਉਸਨੇ ਸਰਕਿਟ ਆਪਣੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੰਘਣ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਮਰ ਥੱਪੜ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਪੋਟੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕ ਰੱਖ ਦੇ ਐਵੇਂ ਪੋਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਵੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾ ਸਰਕਿਟ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੂ ਡਰਾਈ ਹੈ ਪੋਟੀ ਕਰਨ ਡੇ ਐਵੇਂ ਕੀ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪੋਟੀ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਏ 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 ਜੀ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ